Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru. So as you can see guys, काफी दिनों बाद paid for articles का डैशबोर्ड जब मैंने ओपन करके देखा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेड व्यूज 3,862 एंड माई डॉलर्स यहाँ पे अर्निंग टू 24.63. सो और यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग जो है गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे $16. ये रेफरल अर्निंग है दोस्तों, ये रेफरल से आई है. सो गाइस अगर आप पेड फॉर आर्टिकल्स पर वर्क करते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जितने भी लोग पेड किसी के लिंक से पेड फॉर आर्टिकल पर जुड़ते हैं तो उनका 20% कमीशन वहां पे जाता है, जैसा कि यहां पे इस वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है. तो अगर यहां पे रेफरल कमीशन हमारा $16 बना है, दैट मीन्स ये श्योर है कि लोग इस वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं, तभी यहां पे उनका 20% रेफरल अर्निंग में हमारा ऐड हुआ है. और यहां पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं मेरे रेफरल लिंक से. सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. और दोस्तों किस किस तरीके से आपको पेड व्यूज़ लेना है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पेड व्यूज़ लेने की. तो सो गाइस जब आप चैनल को विजिट करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेड फॉर आर्टिकल अनलिमिटेड पेड व्यूज़. यहाँ पे 40 वीडियो समथिंग पेड व्यू से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं. अगर आपने अभी तक ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा आप ये वाली प्लेलिस्ट जरूर जाके चेकआउट करें. अगर आपने सेम तरीका फॉलो किया जो मैंने बताया और जो मैं करता हूँ तो आपको डेफिनेटली पेड व्यूज़ मिलने के चांसेस 100% इंक्रीज हो जाएंगे. और दोस्तों इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, जो एक अलग वे जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. बट गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज़ हाईली रिकमेंड कर दूँ यहाँ पे. सो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नॉट सब्सक्राइब 94%. हमारे भाई बहन ऐसे हैं 94% ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके लिए गाइस हार्टली थैंक्स. बट दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार अपना लविंग सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो चलिए इस वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट. सो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आप किस तरीके की आर्टिकल जो है इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं जिससे आपका CPM हाई जाए और से रिवेन्यू भी आपका हाई बने. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप सिंपली जब YouTube पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको AI राइटर सर्च करना है दोस्तों, एंड लास्ट में लिख देना है जीनियस गुरु. सो मेरी जितनी भी वीडियोस होंगे सिंपली आप, सो दोस्तों जब आप AI राइटर जीनियस गुरु लिख के YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ये वाली वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये वाली. ठीक है, आपको सिंपली ये वाली वीडियोस वॉच कर लेनी है पूरी. यहाँ पे मैंने टॉप 5 ऐसे AI राइटर्स के बारे में बात करी है जहाँ पे आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंड जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उससे रिगार्डिंग कोई पोस्ट वगैरह में लिखनी होती है तो आपको वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा क्लियरिटी से. तो आप जाके ये वीडियो जरूर विजिट करें. अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको अपना CPM हाई ले जाना है जिससे आपको अगर कम पेड व्यूज भी मिलते हैं तो वहां पे भी आपका अच्छा खासा रेवेन्यू बन सके. सो सबसे पहले तो आपको आना है गूगल पे, एंड यहां पे सिंपली आपको टाइप करना है गूगल ट्रेंड. ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करोगे सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना. उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों ने पहली ही वेबसाइट ओपन कर लेनी है, देन आफ्टर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. अब आप लोगों ने यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट लिखी है सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया चूज करना है और जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो चूज करना है. तो सिंपली मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ. एंड अब गाइस सेकंड स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, एंड गाइस अब आपको सेकंड स्टेप पे रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रियल टाइम सर्च ट्रेंड सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है. एंड देन अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑल कैटेगरी, सिंपली आपको ऑल कैटेगरी पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड या फिर कह लो अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हो तो उसका CPM डेफिनेटली 101% हाई जाता है दोस्तों. तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा अगर आप टैक्स से रिलेटेड लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लिखते हो तो काफ़ी अच्छी खासी CPM आपका हाई जा सकता है. सो अब यहाँ पे आप लोगों ने हाई कीवर्ड मिल जाएंगे जो ट्रेंड कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए लास्ट 24 आवर्स में इसके बहुत ज़्यादा सर्चेस आए होंगे. यहाँ पे आप इसे पूरा ओपन करके एंड नीचे विद ग्राफ के देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ हाई जा रहा है, दैट मीन्स इसके सर्चेस ज़्यादा हैं. और अगर आप ट्रेंड टॉपिक पे आर्टिकल राइट करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके पेड व्यूज मिलने के. और यही दोस्तों स्ट्रेटजी जो प्रोफेशनल ब्लॉगर होते हैं वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक गूगल से आता है और गूगल से जो ट्रैफिक आता है उससे अर्निंग भी काफ़ी अच्छी खासी होती है. तो आप लोगों ने इनमें से कोई सा भी एक कीवर्ड चूज कर लेना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई लाइफ इंश्योरेंस या फिर ग्रेफिटो टोयो ट्रांसो, ये इस तरीके के जो हाई कीवर्ड है जो सर्चेस ज़्यादा हो रहे हैं गाइस, सिंपली इनमें से
एक कीवर्ड आपको उठा लेना दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक बात बताओ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं? अगर नहीं किया है तो प्लीज यार कर लेना, बिकॉज अगर नहीं किया है तो गाइस आप बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। बिकॉज इन वीडियोस को देखकर काफी स्टूडेंट्स घर बैठे अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों हमें एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से वर्क कंसल्टेंसी के साथ अच्छे से एक्टिव रह के वर्क करना होता है। अगर आप हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रह के वर्क करोगे तो 10 से 20 डेज में आपकी रिवेन्यू अच्छी खासी बनना स्टार्ट हो जाएगी, आई एम प्रिटी श्योर। तो आप लोगों ने सिंपली यहां से कोई सा भी एक आर्टिकल चूज कर लेना, फॉर एग्जांपल ये वाला, इस वाली वेबसाइट पर जो ये वाला आर्टिकल मेंशन है, ठीक है, यहां से। अब दोस्तों काफी वेबसाइट अपने आर्टिकल्स को कॉपी करने की परमिशन दे देते हैं, बट गाइस आप लोगों को भी पता होगा कि कॉपीराइटेड, बट गाइस आप लोगों को भी पता होगा कि पेड फॉर आर्टिकल्स का जो अपडेट के बाद पेड फॉर आर्टिकल्स की जो वेबसाइट है वो और ज्यादा सिक्योरिटेबल हो गई है, तो वहां पे आप कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं डाल सकते। तो उसका भी यहां पे सॉल्यूशन है, बस आपको मिस नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है, सिंपली आपको पैराग्राफ यहां पे कोई सा भी चूज कर लेना, देन आफ्टर आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। और जो AI राइटर मैंने आपको रिकमेंड किए थे वहां पे आप लोगों ने फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी, जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, वहां पे जो टाइटल होते हैं वो आपको AI राइटर में मेंशन कर देना है। और ऑटोमेटिकली AI राइटर क्या करेगा कि आपको 1000 प्लस वर्ड का, वो भी हाई एक्स्ट्रा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड यूनिक आर्टिकल ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। वहां पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली उसे कॉपी करना है एंड देन आपको यहां पे अपने एड आर्टिकल्स पे सेम टाइटल डाल के एंड कैटेगरी। आप दोस्तों आप लोगों ने यहां पे ये चीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको यहां पे बिजनेस कैटेगरी में रखना है अपना वो वाला आर्टिकल। फॉर एग्जांपल जो हमने यहां पे अभी ये वाला आर्टिकल कॉपी किया था, इसको आप लोगों ने गूगल पे जाना है एंड देन यहां पे टाइप करना है आर्टिकल रीराइटर, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली यहां पे टाइप करना है आर्टिकल रीराइटर स्पिन बोर्ड, काफी सारे रीराइटर टूल मिल जाएंगे आपको, सिंपली कोई सा भी एक टूल आप लोगों ने यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे आर्टिकल रीराइटर tool.com सिंपल से पहला ही वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों ने वो एज इट इज कंटेंट जो वहाँ पे कॉपी किया था वही आपको पेस्ट कर देना, देन आफ्टर आपको स्क्रॉल करते नीचे आना है एंड देन ये कैप्चा फिल कर देना है। सो सिंपली मैंने यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर दिया एंड देन आपको यहाँ पे रीराइट टूल पे सिंपल से क्लिक कर देना है। सो एज यू कैन सी गाइस हमारा ये वाला आर्टिकल पहला पैराग्राफ जो हमने वहाँ पे पेस्ट किया था, तो यहाँ पे ये वाला देखिए पहला पैराग्राफ अच्छे से बिल्कुल एक्स्ट्रा हाई यूनिक सा बन के यहाँ पे आ गया, जो कि ट्रेंड में है गाइस, ये सर्चेबल है। आप यही चाहे तो अपने ब्लॉग में भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों ब्लॉग मोनेटाइज करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल राइट करोगे तो वहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज होगा आपकी वेबसाइट पर, जिससे रेवेन्यू होगी। मेन गाइस हमें फोकस करना है रेवेन्यू पे एंड CPM पे। सो आप इस तरीके से अगर आर्टिकल राइट करते हो तो आपकी रेवेन्यू हाई बनेगी। सेम यही आपको एज इट इज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और अपने पेड फॉर आर्टिकल से सेम आर्टिकल पब्लिश करना है। और दोस्तों जो मैंने 5 तरीके के AI टूल्स बताए थे वो ये वाली वीडियो थी, आप ये वाली वीडियो जाके YouTube पे सर्च कर लें, नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वाली वीडियो देख लें, काफी हेल्पफुल भी होगी। इसमें 5 AI टूल्स के बारे में बताया गया है जिससे आप ओनली टाइटल से ही अच्छा खासा एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों खुश रहो और खुशियां।